टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने एक अहम फैसला किया। अब दिन हो या रात, आप कभी भी अस्पताल या टीकाकरण केंद्र जाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को 24 घंटे के दौरान किसी भी समय कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। सरकार ने कहा कि जिन्हें भी कोरोना वैक्सीन लगवानी हो वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अस्पताल जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है। देश के नागरिक अब 24/7 अपनी सुविधा अनुसार कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं। बीते सोमवार यानी 1 मार्च को ही सरकार ने टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। इसके तहत अब वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से ज्यादा उम्र के वैसे लोगों को टीका दिया जाएगा जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार ने उम्मीद जताई है कि दूसरे चरण में करीब 10 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम, CGHS या राज्य सरकारों के कार्यक्रम के तहत रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। यानी अब लोग निजी अस्पतालों में भी जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए तय की है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।